हेलो फ्रेंड्स, माय ऑनटेक गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर की लाइव काउंटिंग कैसे देख सकते हैं, यानी आपका रियल टाइम में कितने सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, ये आप कैसे रियल टाइम में देख सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो रहेगी, पूरा ज़रूर देखिए, आपके लिए काम की ही रहेगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको एक नया टैब ओपन कर लेना है। नया टैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सोशल ब्लेड नाम की एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपने यूट्यूब के बारे में देख सकते हैं, तो यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है या फिर यूजर नेम डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ क्योंकि मेरा यूजर नेम बना हुआ है। तो यहाँ से आप सर्च कर लेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका चैनल का नाम आ जाएगा और सब्सक्राइबर्स देखने को आ जाएंगे, टोटल व्यूज और जितने भी वीडियो अपलोड होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप बहुत सारे एनालिसिस देख सकते हैं, आपकी रैंक क्या है और आपके सब्सक्राइबर रैंक, ये सभी आपको रैंक देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपका एस्टिमेटेड अर्निंग भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं और ऊपर आपको ये सभी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको उस कॉर्नर में जाना है और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लाइव सब्सक्राइबर काउंट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका लाइव सब्सक्राइबर काउंटिंग चलने लगेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे 18,200 सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं लेकिन यहाँ पे मेरा जो है सब्सक्राइबर 18,200 से ज़्यादा ही है, तो इसमें 100-100 का फ़र्क रहता है। यहाँ पर रियल टाइम में अभी नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप लिखा है तो उससे दिखाने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ जहाँ से आप अपने रियल सब्सक्राइबर को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप YouTube में भी अपने रियल सब्सक्राइबर को देख सकते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जाना है और लॉगिन कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर अपने प्रोफाइल में जाना है और यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है। यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है और ऐसे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाता है, तो इस प्रकार से आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एनालिसिस में जाना है, ये आइकन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपका चैनल का एनालिसिस लास्ट 28 दिन का दिखाई देगा और यहाँ पर आपको रियल टाइम अपडेटिंग लाइव दिखाई देगा जहाँ पर आपके सब्सक्राइबर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सी लाइव काउंट पर क्लिक करके और आप अपने रियल टाइम के सब्सक्राइबर को देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे इतने फास्ट सब्सक्राइबर नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे आपको जैसे ही एक दो सब्सक्राइबर बढ़ेगा यहाँ पे अपडेट होता जाता है और यहाँ पे आपको रियल टाइम में दिखाई देता है। तो यहाँ से आप अपने यूट्यूब के रियल टाइम के सब्सक्राइबर को लाइव देख सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।